हेलो स्टूडेंट्स, अपन खुशवंत सिंह की स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने यहाँ तक स्टडी कर लिया था कि खुशवंत सिंह गांव में रहता है अपनी बूढ़ी दादी के साथ। बूढ़ी दादी जब उसको स्कूल ले जाती है बड़ी खुशी होती है, उसकी हर चीज़ में हेल्प करती है, उसकी सहायता करती है। लेकिन जब वे दोनों गांव से शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो उनके संबंधों में कमी आने लगती है, क्योंकि खुशवंत सिंह अब एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगता है, उसकी ग्रैंड मदर उसकी हेल्प नहीं कर पाती है। इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम एंड कर रहे हैं। ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब। ग्रैंड मदर डिडेंट बिलीव इन द थिंग्स टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस टू लर्न दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन द स्कूल। उसकी ग्रैंड मदर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो खुशवंत सिंह जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है वहाँ पर भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है, साथ ही साथ कोई शास्त्र के बारे में नहीं बताया जा रहा। मोर ओवर शी वॉज वेरी डिस्टर्ब एट द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन बींग गिवन एट इंग्लिश स्कूल टू हर म्यूजिक हैज यूड एसोसिएशन एंड सी कंसिडर म्यूजिक टू बी अनसीटेबल फॉर जेंटल फॉर्म। तो उसके ग्रैंड मदर की नज़रों में जो म्यूजिक का खाया जा रहा था वो सही नहीं था, क्योंकि वो ये समझती थी कि अच्छे लोगों के लिए ये म्यूजिक पढ़ाना अच्छी बात नहीं है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप गेट स्नेप्ड। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर वॉज ब्रोकन वेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वॉज गिवेन अ रूम ऑफ हिज ओन। अब इसके संबंध और टूट गए अपनी ग्रैंड मदर से जब ऑथर यूनिवर्सिटी चला गया और उसको एक अलग से रूम दे दिया गया। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड रेयरली स्पोक टू एनी वन। अब उसकी ग्रैंड मदर ने भी अपने आप को एकांत में मान लिया था और वह शायद किसी से नहीं बोलती थी। ऑल डे लॉन्ग शी सेट स्पिनिंग द व्हील एंड डिसाइडिंग हर प्रेयर। अब वो दिन भर अपना सिलाई का काम करती थी और भगवान की प्रेयर करती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो। शाम के टाइम, दोपहर के टाइम वह स्पैरो यानी गुरैया को खाना देते समय ही रिलैक्स होती थी। दे पर्ड ऑन हर शोल्डर एंड सम इवन ऑन हर हेडेक बट शी नेवर शूटेड देम अवे। वे सारी गौरैया उसके कंधे में सिर के ऊपर बैठ जाती थी लेकिन कभी भी उसने उसका शिकार नहीं किया। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। यह आधा घंटा उसके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते थे। द ऑथर लव्स लीव्स फॉर हायर स्टडी। अब ऑथर हायर स्टडी के लिए बाहर चला गया। द ऑथर डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडी फॉर 5 ईयर। अब अब्रॉड यानी बाहर, विदेश। अब ऑथर ने डिसाइड किया कि वह हायर स्टडी के लिए 5 साल तक बाहर रहेगा। ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट एट दिस डिपार्चर बट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। उसने ये सोचा कि अब उसकी ग्रैंड मदर अपसेट हो जाएगी, ठीक, बट उसकी ग्रैंड मदर इतनी सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ। वह उसको रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने के लिए अर्थात छोड़ने के लिए आई। शी शोड नो इमोशन एंड वॉज एब्जॉर्ब्ड इन प्रेइंग एंड काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी। साइलेंटली शी किस्ड हिज फोरहेड। अब उसने क्या किया, उसने मन ही मन में प्रेयर करी और तो जाते समय चूमा। द ऑथर थॉट दैट परहैप्स इट वॉज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर। अब ऑथर ने यह सोचा कि यह उसकी ग्रैंड मदर और उसके बीच का आखिरी रिलेशन था या संबंध था। द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द ऑथर रिटर्न एंड फॉल सिक। अब 5 साल के बाद ऑथर जब वापस लौटा तो उसकी ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई, जबकि वह उसके लिए सेलिब्रेट कर रही थी। आफ्टर 5 ईयर्स द ऑथर फाउंड हर ग्रैंड मदर एट द स्टेशन व्हेन ही रिटर्न। 5 साल के बाद ऑथर ने
अपनी ग्रैंड मदर को स्टेशन पर पाया. ही हेल्ड हिम इन हर आर्म. ही फाउंड हर मोर रिलीजियस एंड मोर सेल्फ कंटेंट. ही कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर. उसने अपनी ग्रैंड मदर को और ज़्यादा धार्मिक पाया और उसने देखा कि उसकी ग्रैंड मदर अभी भी प्रेयर को गा रही है. इवन दैट डे द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर हर वॉज फीडिंग द स्पैरो हरसेल्फ. हाउएवर समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड टू हर इन द इवनिंग. इवन वो आज जब गोरैया को खाना देती थी उससे भी बड़ा उसके लिए खुशी का क्षण था. फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ही डिड नॉट प्रे. अब शाम को सारी घटनाएं बदल गई. शाम को वह प्रेयर नहीं कर पाई. इंस्टेड शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबर. बल्कि उसने अपने आसपास पड़ोसियों की सारी महिलाओं को इकट्ठे किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग ऑफ हर वॉरियर. यानी अपने वॉरियर ने लड़ाकू यानी अपने ऑथर जो उसका ग्रैंड सन था उसके आने की खुशी में उसने घर में गाने बजाने का प्रोग्राम रखा. दे ट्राइड टू परस्यू हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टीमिंग हर सेल्फ. ग्रैंड मदर डेथ. अब लास्ट में क्या होता है ये ऑथर यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है. द ग्रैंड मदर वॉज डायग्नोज विद अ माइल्ड फीवर बाय द डॉक्टर बट सी इंस्टीड insisted that her end was near. शाम के टाइम डॉक्टर ने उसकी ग्रैंड मदर को यह पाया कि उसको हल्का बुखार है. उसने डॉक्टर ने बताया कि अब ग्रैंड मदर का अंत निश्चित है. अपने पास में ही है यानी. शी टोल्ड एवरी वन दैट शी डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनी बडी एंड वुड रादर स्पेंड हर लास्ट मोमेंट प्रेइंग. वह उसने बताया डॉक्टर ने कि वह अब अंतिम समय में वह किसी से बात नहीं करना चाहती और भगवान की प्रेयर करना चाहती है. शी इग्नोर एवरीथिंग प्रोटेस्ट एंड स्टार्टेड काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी वाइल प्रेइंग. वो उसके माला रहती ना माला पे उसने काउंट करना स्टार्ट किया और वह उसको करते करते प्रे कर रही थी. आफ्टर अ शॉर्ट वाइल द ऑथर नोटिस दैट हर ग्रैंड मदर लिप्स स्टॉप मूविंग. अब ऑथर ने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि उसकी ग्रैंड मदर के लिप्स मूव करना बंद कर रहे हैं. द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर. और जो माला जैसी रहती ना वह उसके हाथ से गिर गई. शी डाइड अ पीसफुल डेथ. और वह एक शांति के साथ खत्म हो गई. शी वॉज कवर्ड विथ अ रेड शॉल. अब उसको लाल शॉल से उड़ा दिया गया था. तो ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है. द लास्ट पार्ट है द स्पैरो मॉन हर डेथ. यानी जो स्पैरो और गुरैया थी उन्होंने भी इसका दुख मनाया. व्हेन द ऑथर एंड अदर कम टू टेक अवे द ग्रैंड मदर्स बॉडी दे मीट एट अ स्पेस साइट. जब ऑथर और दूसरे लोग उसी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को लेने आए तो उन्होंने एक अचंभित चीज देखी. टू मॉर्न हर दैट अ लॉट ऑफ स्पैरो हैड सराउंडेड द ग्रैंड मदर्स बॉडी. उसने देखा कि ग्रैंड मदर की बॉडी के आसपास बहुत सारी गुरैया इकट्ठी हो गई है. दे वेयर ऑल साइलेंट. व्हेन द ऑथर मदर ऑफर्ड द स्पैरो सम ब्रेड दे रिफ्यूज टू ईट एंड क्वाइटली फ्लू अवे आफ्टर द ग्रैंड मदर बॉडी. उसने देखा कि वे सारी गुरैया शांत हैं और ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके दुख में दुखी हैं. उसकी मदर ने यानी ऑथर कुलवर सिंह की मदर ने सारे स्पैरो को रोटी दी लेकिन उन्होंने बिना खाए शांति के साथ वहां से उड़ गई. ठीक तो ग्रैंड मदर की यहाँ डेथ हो गई और स्पैरो ने भी उनके साथ दुख मनाया. ये आपकी स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है. आप इसको स्टोरी को रिसाइट करेंगे और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे.